नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इस समय की बड़ी खबर बिहार के बेतिया से आ रही है, जहां सरकार के मंत्री की बेटे की दबंगई की है, जिसका विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने मंत्री के बेटे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण के नौतन के विधायक और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण साह के पुत्र की दबंगई देखने को मिली है। आरोप है कि मंत्री के बगीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई उनके बेटे बबलू ने कर दी, और जब परिजनों ने विरोध किया तो मंत्री के बेटे ने बच्चों के महिला परिजन के साथ मारपीट करते हुए हवाई फायरिंग की। मंत्री के बेटे के इस दबंगई के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और आक्रोशित लोगों ने मंत्री की जिस पर सवार होकर मंत्री पुत्र अपने सहयोगियों के साथ बगीचा पहुंचा था। शुरू में तो मंत्री के बेटे ने अकड़ दिखाने की कोशिश की, पर ग्रामीणों का गुस्सा देखकर मंत्री पुत्र और उसके सहयोगी मौके से फरार हो गए। इस दौरान कई आक्रोशित लोगों ने विधायक पुत्र के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट भी की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और किसी तरह मामले को शांत करवाया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में चूर नौतन विधायक और राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के पुत्र बबलू ने अपने बगीचे में खेल रहे बच्चों को पीट दिया, और जब महिलाओं और लड़कियों ने विरोध किया तो विधायक पुत्र ने उसकी भी पिटाई कर दी। उसके बाद आक्रोशित ग्रामीण और महिलाओं ने मंत्री बेटे के साथ मारपीट की। आम लोगों के गुस्से को देखते हुए विधायक पुत्र किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।